अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बारागो बाईपास के नीचे जो पेंडिंग काम है उसकी अपडेट हाजिर है। आज है 17 अगस्त 2023 और टाइम हो रहा है शाम के 6:10। सबसे पहली अपडेट ये है कि यहाँ पर ये जो कल काम हो रहा था शटरिंग का, ये कंप्लीट हो गया शटरिंग का काम। और अभी पीछे तो इधर तो बाकी है, एक ये काम कंप्लीट हो गया है, एक ये अपडेट है ये भी हो गया है। और इस तरफ देख लेते हैं फ्लाईओवर के नीचे जो ये पेंडिंग काम मैं आपको बता रहा हूँ, ये आजकल जो सीरीज चल रही है मेरी वीडियो की, वो बारागो का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे काफ़ी सारे काम है पेंडिंग, तो वो मैं वक्तन फवक्तन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये कल यहाँ पर ये काम हो रहा था शटरिंग का, तो अभी भी क्रेन मुझे नज़र आ रही है दूसरी तरफ चल के देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। बहरहाल ये अभी दो पिलर्स के ऊपर जो है अपडेट, नई जो शटरिंग ये नज़र आ रही है, बाकी अभी शटरिंग देखते हैं। दूसरी तरफ मशीन नज़र आ रही है, वहाँ पर चलते हैं। ट्रैफिक की अपडेट ये देखें, ये नीचे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिनके स्टाफ्स हैं बारागो में नीचे, तो वो नीचे से जा रहे हैं, और जो 9 फुट से ऊपर है वो भी नीचे से जा रही है, क्योंकि ऊपर 9 फुट से ऊपर वाली गाड़ी का दाखिला मना है। फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग का भी फ़ायदा उठा रहे हैं लोग, और ट्रैफिक नॉर्मल है, कोई रश वगैरह नहीं है। ये कंपनी का कुछ सामान पड़ा हुआ है, सिलेंडर और कुछ औजार वगैरह पड़े हैं यहाँ पर, ये भी ऊपर काम करना हो यहाँ पर। और वहाँ पर जो कल मैंने गड़ा बताया था उसके आगे ये ब्लॉक्स रख दिए हैं निशानी के तौर पर, ताकि एहतियात से गुजरें। ये अब साइड से होके गुजर ये ट्रैफिक, कल ये नहीं था तो बड़ी प्रॉब्लम थी लोगों को। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कैसे ट्रैफिक गुजर रही है यहाँ नीचे से। चलिए जी आगे क्रेन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ये है फ्लाईओवर का स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ पर भी काम जो है वो देख लें आप, पेंडिंग है, शटरिंग अभी होनी है। और अभी जो काम जा रहा है चल रहा है वो पिलर नंबर 2 के नीचे चल रहा है। ये पिलर नंबर 2, इसके नीचे क्रेन लगी हुई है, और यहाँ पर शटरिंग वगैरह का काम हो रहा है, और सरिया पे भी प्रॉपर किया जाएगा। सरिया बाहर को निकलाया है, अभी शीट्स लगा रहे हैं अंदर की जानी, अंदर शीट लग रही है इसके, और अभी फिर बाहर भी शटरिंग होगी। और जो नियाग्रा फॉल थी, सॉरी जो यहाँ का ड्रेन था, ड्रेन सिस्टम, उसके आगे पाइप्स वगैरह भी नज़र नहीं आ रहे, तो उम्मीद करते हैं कि वो पाइप्स भी जल्दी लग जाएंगे। चलिए अब चलते हैं इसके एंड पॉइंट की जानिब, और वहाँ पर जो प्लांटेशन थी और यू टर्न था वो देख लेते हैं उसकी क्या सूरत हाल है। चलिए जी, ये एक पिलर पे पेंट हुआ नज़र आ रहा है, ये भी आप डेट में ऐड कर लेते हैं जी। एक पिलर नज़र आया, एक आगे भी नज़र आ रहा है। एक ये है जी पिलर, इस पर भी पेंट हो गया, और 15 नंबर पिलर है ये 16 को छोड़ के आगे जो 17 नंबर है, ये भी इस पर भी पेंट नज़र आ रहा है। चलिए जी मज़ीद आगे चलते हैं, आगे 19 नंबर पिलर आ रहा है जी, इस पर भी पेंट नज़र आ रहा है। चलिए जी, एक जो मोटा मोटा काम है ये भी पेंट, ये भी शुरू हो गया फ्लाई ओवर के नीचे, लेकिन साइड्स पर जो पिलर और गार्डन्स के दरमियान जो शटरिंग और सरिया है वो अभी तक नज़र आ रहा है, उसकी अभी शटरिंग होनी है। मेरा ख्याल पेंट से ज़्यादा ज़रूरी पहले ये था, ये होना चाहिए था। बहरहाल अपना उनका प्रोसीजर है। और इसके आगे पिलर्स नज़र आ रहे हैं लेकिन पेंट नज़र नहीं आ रहा। चलें अब एंड पे जाके देख लेते हैं, एंड पे देखते हैं प्लांटेशन का काम, और फिर आगे यू टर्न का भी देखते हैं मामला सीधा हुआ कि नहीं। ट्रैफिक के लिहाज से ये पीक आवर है, और देख लें इक्का दुक्का गाड़ियां नीचे से और बड़े ट्रक्स,
बाकी सारी ट्रैफिक ऊपर से जा रही है। तख्ती लगाने वाले तो चले जाइए, तख्ती लग गई है, लेकिन पीछे आवाम जो है वो बारह की वो रुल गई है। सड़क का बुरा हाल है, सफाई हुई भी लग रही है यहाँ पर आज, लेता मशीन जो है वो यहाँ से सफाई करके गई है। बड़ा साफ सुथरा लग रहा है रोड, मलबा वगैरह उठाया हुआ है यहाँ पर। कोई माने या ना माने, लेकिन ये अब देखें आपके सामने ही है, ट्रैफिक के बहाव में तो फर्क पड़ा है बारागो में। तो पिछले तकरीबन 4-5 महीने की वीडियोस आप देख लें, पिछली वीडियो, और जब भी यहाँ से गुजरता था, ये मैं इसको प्रोजेक्ट की बॉटल नेक कहता था, क्योंकि यहाँ पर आगे से रास्ता बहुत ज़्यादा तंग हो जाता था। एक ही प्रॉपर लेन, एक गाड़ी गुजरती है आराम से, तो यहाँ पर लंबी लंबी कतारें आपको वीडियोज़ में देखने को मिलेंगी इस जगह पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो काम ठीक हुआ है उसको ठीक कहना चाहिए कि ट्रैफिक के बहाव में फ़र्क पड़ा है, लेकिन उसकी जो है ना भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है बारह के लोगों को, सड़क के नामुकम्मल होने की सूरत में। ऊपर जो ड्रेन सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है, वो सारा पानी सड़क के ऊपर भेरा पुल, ख़ासतौर पर भेरा पुल के ऊपर, तो वहाँ पर तालाब का मंजर पेश कर रहा होता है बारिश के टाइम, तो इसको देखने की ज़रूरत है। बस थोड़ी दूर रह गया जी एंड पॉइंट, यहाँ पर हम फूल पौधे प्लांट्स वगैरह देखेंगे और यू टर्न देखेंगे और उसके बाद अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे। ये रिटेनिंग वाल के साथ साथ जो रोड है ये बिल्कुल बैठ गई हुई है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और बड़ी बसेस और डंपर्स को यहाँ से गुजरने में काफ़ी मुश्किल का सामना। ये देखें साइड बैठ गई है और बीच में मिट्टी ऊपर को उठ गई है। ये जी फ्लाईओवर का एंड पॉइंट यहाँ पर, और प्रोजेक्ट्स का भी ये यहाँ पर एंड पॉइंट है। ये गमले जूं के धुएँ हैं, जिस दिन इफ्तिताह हुआ था उस दिन यहाँ पर रख कर नहीं फेंक कर, मुझे लग रहा है फेंक कर गए थे, रखे होते तो तरतीब से रखे होते और कोई अच्छी शक्ल यहाँ पर, ये देखें नीचे पड़े हैं, ये कोई ऊँधा पड़ा हुआ है। तो बस साबित हुआ कि जिस दिन इंस्पेक्शन होनी हो या किसी बड़े अहदेदार ने आना हो तो उसी वक्त हम ये सजावट का जो है ना ऊपर ऊपर से इंतज़ाम कर लेते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग पॉइंट पर हुआ था, वहाँ पर तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्लांटेशन और फूल पौधे गमले बहुत ज़बरदस्त तरीके से रखे गए थे, और एंड पॉइंट पर ये देखें बीच वाली ग्रीन बेल्ट अभी वैसे की वैसी ही है जैसे कि 3 तारीख को थी इनॉगरेशन वाले दिन। यहाँ से आगे की डेवलपमेंट ये है कि यहाँ पर जो लेबलिंग का काम था, जो एक दो पीछे 3-4 दिन पहले वीडियो आपको दिखाई थी, उसमें यहाँ पर मशीन लगी हुई थी, लेबलिंग का काम हो रहा था, और ये एक डंग टपाऊ किस्म का यू टर्न का बोर्ड भी लगा हुआ है। प्रॉपर नहीं है ये, जो हाईवेज के ऊपर होता है उस तरह नहीं है। लेबलिंग हो गई है माशाल्लाह, यहाँ पर काफ़ी काम हुआ है, लेबलिंग हो गई है, लेकिन अभी यहाँ पर फूल पौधे दरख्त ग्रास उसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। अब सिर्फ एक चीज़ रहेगी आज की वीडियो की, यू टर्न वाली जगह पर देख लेते हैं कोई डेवलपमेंट हुई है, कोई रास्ता प्रॉपर बनाया पक्का किया है, या कि वही कच्चा रास्ता है वो भी डंग टपाऊ। पहुंच रहा हूँ जी मैं शाहपुर फुलग्रां की तरफ जाने के लिए यू टर्न। काफ़ी ट्रैफिक जो है यहाँ पर मुड़ रही है, लोग मुड़ रहे हैं यहाँ पर शाहपुर और फुलग्रां के लिए, लेकिन अभी अपडेट इसका यही है कि ये अभी कच्चा रास्ता ही है, यहाँ पर अभी मजीद कोई काम नहीं हुआ सिवाय वो सामने जो बोर्ड लगा हुआ है, उसके अलावा यहाँ पर अभी तक वैसे का वैसा ही है जैसा कि पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं शेयर करूंगा IJP रोड, जिसका अब नाम रख दिया है कैप्टन कर्नल शेर खान। वहाँ पर भी मैंने सुना है काफ़ी उखाड़ पछाड़ हो गई है, इफ्तिताह भी हो गया, प्रॉपर रोड बन गया, बड़ा ज़बरदस्त रोड बना था वो, उसकी वीडियोस भी मैंने शेयर की हुई हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम उधर शुरू हो गया, कोई अंडरपास वगैरह बन रहे हैं, तो वो उसका कल एक छोटी सी वीडियो में जाऊँगा वहाँ पर शेयर करूँगा आपके साथ तकरीबन 7-8 बजे तक। तो आज के लिए बारह बाईपास रोड से इतना ही, इंशाल्लाह कल दोबारा फिर मुलाकात होगी,
IJP रोड कैप्टन कर्नल शेर खान रोड के अपडेट के साथ कि वहाँ पर क्या काम जारी हैं। तो बारागो श्रीनगर हाईवे बारागो बाईपास एंड पॉइंट से अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।